क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, सॉलिड राइट कोन हुज रेडियस ऑफ द बेस इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर इज मेल्टेड इन ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ रेडियस 1.4 mm. ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर पहले भी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 था आपका, जिसमें आपने एक स्पीयर को पिघलाया था, अब कोन को पिघला रहे। चलो, ये है एक कोन है जिसकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कोन आर ले रहे हैं इसको, ये है 14 सेंटीमीटर आगे, और हाइट है इसकी 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन एच 7 सेंटीमीटर फाइंड करना है आपको। अच्छा, इसको पिघला के एक वायर में कर दिया, वायर की रेडियस आपको दे रखी है 1.4 mm. तो रेडियस ऑफ वायर, इसको मैं ले रहा हूँ R2, ये है 1.4 mm. यूनिट्स में कन्वर्जन कर लेते हैं, mm cm में कर लेते हैं। तो आपका 1 mm होता है 1/10 सेंटीमीटर, 1 mm होता है 1.4 आपका होगा 0.14 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1.4 mm. ये आ गया, तो अब इसकी जगह लेने वाला है 0.14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है कि जब इस कोन को पिघलाओ तो जो वायर बन रही है उसकी लेंथ कितनी है, इन शॉर्ट आपको हाइट फाइंड करनी है सिलेंडर की। तो इसके लिए इन दोनों के वॉल्यूम्स इक्वल हो जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या फिर वायर। वॉल्यूम ऑफ कोन में आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पाई आर टू स्क्वायर एच टू, इसकी मैं लेंथ ले रहा हूँ एच टू वायर की, बाकी सब यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। तो पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3 पाई आर टू स्क्वायर इज इक्वल टू एच टू। पाई से पाई कैंसिल, अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। आर की जगह 14, एच की जगह आएगा 7, 3 टाइम्स आर टू की जगह 0.14 इज इक्वल टू एच टू 14 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 14 टाइम्स 7 अपॉन 3 टाइम्स 0.14 को लिख दो, 0.14 टाइम्स 0.14 एच टू। अब 0.14 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ये आपका हो जाएगा 7, यहाँ पर ऊपर गया 100, फिर 100 अपॉन 3 टाइम्स 14 टाइम्स 14। चलो, तो 14 से 14 कैंसिल, बस आपके पास ये 7 टाइम्स 100 टाइम्स 100, ये आपका होगा कितना होगा, ये 70,000 0,0,0,0,7 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू एच टू। तो पीछे उन्होंने आंसर शीट में आंसर क्या दे रखा है, आंसर शीट में उन्होंने दे रखा है मीटर में कन्वर्ट करके दे रखा है। चलो, अपना आंसर भी यहाँ सेंटीमीटर में आ रहा है, तो पहले तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। डिवाइड बाय 100 करोगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा 700/3 मीटर, और फिर मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, 700/3 मीटर आपका होना चाहिए। 700/3 233/3 1/3 मीटर इज इक्वल टू हाइट h2। अब की लेंथ आ गई वायर की 233/3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ सॉल्व लिख लो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, सॉलिड राइट कोन एंड सॉलिड हेमिस्फीयर हैव द सेम बेस। ठीक है, तो फिगर बना लेते हैं यहाँ से। फर्स्ट वाली लाइन से उन्होंने दे रखा है कोन और हेमिस्फीयर का बेस सेम है, तो दो पॉसिबल फिगर्स बन सकते हैं आपके, पहले हेमिस्फीयर नीचे या फिर कोन नीचे। फर्स्ट वाले से ही चलते हैं अपन, हेमिस्फीयर के ऊपर कोन है, आगे बढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज डबल दैट ऑफ द हेमिस्फीयर। चलो, जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वी ऑफ कोन इज इक्वल टू 2 टाइम्स वी ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हाँ, और फाइंड द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द कोन एंड द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। तो आपको फाइंड करना है कोन की हाइट और हेमिस्फीयर के डायमीटर का रेशियो।
स्टार्ट करते हैं। चलो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फॉर्मूला ढंग से पुट करना है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2 पहले तो यहाँ पे आई गया 2, फिर 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन अपन करने वाले हैं, देखना है। पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर, इसको ऐसे लिख रहा हूँ, और एक बार आर यहाँ आ गया तो सिर्फ यहाँ बचेगा आर स्क्वायर, तो 2 × 3 पाई आर स्क्वायर। ऐसा क्यों करा, क्योंकि 2 टाइम्स आर सीधा डायमीटर आ जाएगा। अगर आप नॉर्मल चलते तो आपका हाइट और रेडियस का रेशियो आता, फिर आपको रेडियस से डायमीटर के रेशियो में लाना पड़ता, लेकिन अब यहाँ सीधा डायमीटर आ गया अपना। बाकी सब चीज़ों को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे हो गया 3/2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 2 आर डी। अब वो बोल रहे हैं जो उनका बेस है सेम है, फर्स्ट लाइन में बोल दिया एरिया, तो पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा एच अपॉन 2 इज इक्वल टू डी। अब वो बोल रहे हैं फाइंड द रेशियो बिटवीन हाइट एंड डायमीटर, तो एच अपॉन डी आपका हो जाएगा 2/1, एच रेशियो डी हो जाएगा 2:1। एंड क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया। जब आप एग्जाम में करो तो सिर्फ एक स्टेप ध्यान में रखना कि यहाँ आर को यहाँ पे शिफ्ट करना है, ठीक है, इससे आपकी कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 में सॉल्व लिख लो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सॉलिड स्फीयर ऑफ कॉपर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड राइट कोन्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर आर मेड फ्रॉम द मटीरियल। ठीक है, तो फिर से मेल्ट और रिकास्ट वाला आ गया क्वेश्चन। इस बार आप मेल्ट कर रहे हो स्फीयर को जिसकी रेडियस दे रखी है, और मेल्ट करके क्या बना रहे हो, कोन। क्वेश्चन है आपका फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स मेड, कितने कोन बना लोगे आप, ये है। चलो पहले आपको दे रखा है रेडियस ऑफ स्फीयर, ये है 10.5 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ कोन और हाइट ऑफ हाइट भी दे रखी है। रेडियस ऑफ कोन आपकी हो जाएगी, रेडियस ऑफ कोन है 3.5 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन ये है 3 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है कि जब स्फीयर को पिघलाना है तो आपके कितने कोन्स बन जाएंगे। तो वो ही कि जब आप पिघलाते हो, रिकास्ट करते हो, तो दोनों जो शेप्स हैं आपके उनके वॉल्यूम्स इक्वल होते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपका इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन्स फॉर्म। अब अपन ले लेते हैं कि कितने कोन्स फॉर्म हुए, नंबर ऑफ कोन्स फॉर्म, इसको ले लेते हैं एन। चलो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसकी रेडियस ले रहा हूँ मैं आर, कोन की रेडियस ले लेते हैं r1, हाइट इसकी h1। वॉल्यूम ऑफ कोन्स फॉर्म ये होता है 1/3 पाई r1 स्क्वायर टाइम्स h। इसमें नंबर ऑफ कोन्स मल्टीप्लाई कर दो, तो पहले जो था आपके पास स्फीयर उसका वॉल्यूम, और बाद में जो कोन बन रहे हैं इसके वॉल्यूम इक्वल होते हैं, यहाँ से अपना एन आ जाएगा। बाकी सारी चीज़ों को दूसरी साइड शिफ्ट कर दो, 4/3 पाई आर क्यूब टाइम्स 3/ पाई r1 स्क्वायर टाइम्स h इज इक्वल टू n। वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, पहले तो 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 4 टाइम्स r की जगह 10.5 क्यूब, और r1 की जगह 3.5 क्यूब टाइम्स h की जगह आएगा 3। चलो 10.5 और 3.5 यहाँ स्क्वायर कर लेना, क्यूब नहीं है। चलो फिर से यहाँ से आगे बढ़ने के दो तरीके हैं, पहला क्यूब कर दो 10.5 3.5 के, नंबर बहुत बड़े आ जाएंगे, आपको इवेंचुअली कैंसिल करना ही पड़ेगा, तो कैंसिल ही करते हैं शुरुआत से। 10.5 क्यूब को आप लिख दो
10.5 times 10.5 times 10.5, ये तीन चार बार लिखने में आलस आती है, लेकिन ये इजी है उससे थोड़ा सा। 3.5 स्क्वायर आपका हो जाएगा 3.5 times 3.5 times 3। अब 10.5 3.5 की टेबल में 3 टाइम्स आता है, ये कैंसिल हुआ 3, यहाँ से भी आया 3, एक 3 से 3 कैंसिल, इज इक्वल टू n। नंबर ऑफ कोन्स फॉर्म, नंबर ऑफ कोन्स फॉर्म होगा, कर दो इसे मल्टीप्लाई, 4 times 3 times 10.5 होता है 126। नंबर ऑफ कोन्स फॉर्म्ड आ गया 126। क्वेश्चन नंबर 13 भी यहाँ सॉल्व, इजीली क्वेश्चन ही आने वाला है। क्वेश्चन 13 तो अपन कर चुके हैं, क्वेश्चन 7 भी ऐसा ही था, 8 भी ऐसा ही था, 10 भी ऐसा ही था, लिख लो ये, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, रेशो वाला पहला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है आपका, लेट द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड राइट सिलेंडर बी वी। चलो तो सॉलिड राइट सिलेंडर का वॉल्यूम दे दिया है वी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वी। आगे है हुज हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ इट्स बेस, इसकी हाइट और डायमीटर इक्वल है, जो एच है आपका वो डी के इक्वल है, और हाइट इज इक्वल, राइट सॉलिड कोन ऑफ द सेम हाइट इज सेट ऑन वन प्लेन फेस ऑफ द सिलेंडर। चलो अब डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो आपके पास सिलेंडर है, और उसके एक फेस पे कोन भी है एक, और कोन ऐसा है कि राइट सॉलिड सेम हाइट इज सेट ऑन वन प्लेन फेस ऑफ द सिलेंडर, जिसकी हाइट है वो सिलेंडर की हाइट के सेम है। चलो तो हाइट ऑफ सिलेंडर वो भी आपकी h, सॉरी हाइट ऑफ कोन वो भी आपकी h की ही इक्वल है, h अपनी हाइट ऑफ सिलेंडर थी। चलो तो आपका है बोथ हैविंग द सेम बेस, इनका बेस भी सेम है, ये रहा। आगे है इफ v डैश इज द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सॉलिड, जो टोटल वॉल्यूम है आपका पूरे सॉलिड का कोन प्लस सिलेंडर वो है v डैश, टोटल वॉल्यूम ये है v डैश। आपको फाइंड करना है, फाइंड v डैश रेशियो v, आपको टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है। तो पहले देख लेते हैं अपन v क्या होगा, v होगा आपका पाई आर स्क्वायर एच। एक चीज चलो यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ टोटल वॉल्यूम पे आते हैं, तो टोटल वॉल्यूम आपका v डैश होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आ गई आपकी वैल्यूज, आपको फाइंड करना है v डैश रेशियो v, मतलब v डैश अपॉन v, इसकी वैल्यू है ये पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन, और v है पाई आर स्क्वायर एच, जो आपका कॉमन निकल रहा है उसे कॉमन निकाल देते हैं, पाई आर स्क्वायर एच कॉमन निकल रहे हैं, तो v डैश अपॉन v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ बचेगा 1, यहाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऑलमोस्ट सभी कैंसिल हो गया, तो v डैश अपॉन v आएगा। इसको सॉल्व करोगे अंदर एलसीएम लेके 4/3 आ जाएगा आपके पास, तो आपका v डैश रेशियो v आया 4:3। कितना इजी था ये वॉल्यूम वाला, सॉरी रेशियो वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन 14 यहाँ सॉल्व, लिख लो इतना, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए राइट सिलेंडर ए राइट कोन एंड ए हेमिस्फीयर हैव द सेम हाइट एंड द सेम बेस एरिया। ठीक है, फिगर से समझते हैं इसको, कि आपके पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है। क्वेश्चन में दे रखा है कि इनके जो बेस के एरिया है वो इक्वल है, मतलब ये पाई आर स्क्वायर है तो ये भी पाई आर स्क्वायर है और ये भी पाई आर स्क्वायर है, और ये भी बोल रहे हैं कि तीनों की हाइट भी इक्वल है, इसकी हाइट और इसकी हाइट इक्वल है। अब लेकिन यहाँ एक चीज
जो देखो जो बाद में काम भी आने वाली इक्वेशन में, कि हेमिस्फेयर की रेडियस जो होती है वही इसकी हाइट भी होती है। तो यहाँ पे आपकी आर इज इक्वल टू एच, मतलब इन तीनों फिगर्स में आपकी हाइट और रेडियस इक्वल है। इतना उन्होंने अभी तक क्वेश्चन में दे दिया है। आगे बढ़ते हैं और फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स एंड द टोटल सरफेस एरिया। पहला आपको निकालना है वॉल्यूम का रेशियो। फर्स्ट है आपका वॉल्यूम का रेशियो। सब तो इसका वॉल्यूम ले लेते हैं V1, इसका ले लेते हैं V2, इसका ले लेते हैं V3। आपको निकालना है V1 रेशो V2 रेशो V3। V1 आपका होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच रेशो। V2 होगा आपका वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये रेशो फाइंड करना है आपको। चलो यहाँ पे करते हैं, तो पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन, एक चीज और के इसकी रेडियस इसकी हाइट इक्वल है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर टाइम्स आर, और आर की जगह आ जाएगा एच। ये आपका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो गया 2 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे आ गया 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अभी आपको दिख ही गया होगा यहाँ पे कैंसिल क्या हो रहा है, पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल हो गया, इसीलिए रेडियस और हाइट को इक्वल करा था कि एच एच इजीली कैंसिल हो सके अपना। अब आपके पास बचा है यहाँ पे 1/3 2/3। इसमें सिंपली करने ये वाले हैं कि तीनों में आप 3 मल्टीप्लाई कर दो, सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, आपका रेशियो आ जाएगा 1 टाइम्स 3 होगा 3, 3:1:2। क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट वाला पार्ट तो यहाँ हो गया सॉल्व वॉल्यूम। इसकी जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो यही ध्यान रखना कि R और H वो इक्वल है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में नहीं बता रखा। वॉल्यूम हो गया, अब इसके टोटल सरफेस पे टोटल सरफेस एरिया पे आते हैं। पहले इतना लिख लो आप, तो इसके B वाले पार्ट पे आते हैं। अब आपको निकालना है TSA का रेशो, टोटल सरफेस एरिया इन तीनों फिगर्स का रेशो। चलो इसका ले लेते हैं अपन TSA 1, ये हो जाएगा आपका TSA 2, ये हो जाएगा TSA 3। तो आपको निकालना है TSA 1 रेशियो TSA 2 रेशियो TSA 3, ये निकालना है। TSA 1 टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये होता है आपका 2πRH प्लस 2πR स्क्वायर, लैटरल सरफेस एरिया प्लस दोनों प्लेन फिगर्स का एरिया रेशियो। TSA 2 कोन का सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस जो प्लेन फिगर है सर्कल पाई आर स्क्वायर। फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसका जो लैटरल सरफेस एरिया है घुमा हुआ पार्ट उसका एरिया है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस उसमें जो बेस का सर्कल है उसका भी ऐड करें तो आता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो आपको ये निकालना है। चल स्टार्ट करते हैं, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन और कर लेते हैं। यहीं पर एच की जगह आर पुट कर दो तो 2 पाई आर स्क्वायर टाइम्स आर, ऐसा इसलिए क्योंकि आर एच इक्वल ही है, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। एल बाद में देखेंगे तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ मत करो, 3 पाई आर स्क्वायर करो। अब आपको इसका रेशियो निकालना है, तो यहाँ पे 2 पाई आर टाइम्स आर, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन, ये आपका हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर। तो पहले जो इजीली कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर देते हैं। एक काम करो, उसकी जगह में डायरेक्टली 4 पाई आर स्क्वायर लिख रहा हूँ। आपका इन तीनों में से पाई आर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4R, यहाँ आ जाएगा, यहाँ से पाई आर कॉमन निकला, यहाँ आ जाएगा एल प्लस आर, यहाँ पे आ जाएगा पाई आर टाइम्स 3R, पाई आर कैंसिल। अब आपके पास बचा 4R एल प्लस आर 3R,
चलो तो एल एल नई चीज आ गई, सॉरी स्लेंट हाइट ऑफ कोन होता है आपका आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, स्लेंट हाइट आपका होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और क्योंकि अपनी एच और आर इक्वल है सीधा यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये होगा टू आर स्क्वायर, और आपका एल आ जाएगा आर रूट टू, आर स्क्वायर बाहर आ गया आर, टू परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसे रूट टू ही रहने दिया, ये है आपका एल, एल की जगह ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो फोर आर अपॉन आर रूट टू प्लस आर अपॉन थ्री आर, तो आर 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 फिर से कैंसिल हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अब, तो आपके पास फाइनल बचेगा फोर अपॉन रूट टू प्लस वन अपॉन थ्री, इसको रेशो में लिख दें तो फोर रेशो रूट टू प्लस वन रेशो थ्री, यहाँ पे भी इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया, रेशो आ गया इसका, वीडियो यहाँ ख़त्म होने वाली है, बस इस क्वेश्चन में ध्यान यही रखना है कि आर और एच इक्वल है, बाकी तो आप इजीली कर लोगे इसको, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ सॉल्व, वीडियो भी ख़त्म होने वाली है, डाउट्स आए तो डाल दो कमेंट में, लिख लो इतना।